साथियों, पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट J&K। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योग के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है। पहले 170 से ज्यादा सेंट्रल लॉ जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हक का अवसर है। साथियों, हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला है। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले हैं। इसे गुजर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।